है वो बे ऑफ बंगाल और पार्क बे को, दो बेस की वाटर बॉडीज होती हैं जो समुद्रों का आम कह लें, समुद्र का एक हाथ होता है, इसको करती है। तो ये अक्सर क्वेश्चन यही आता है कि पार्क स्ट्रेट किन दो कंट्रीज को सेपरेट करती है, तो दैट इज श्रीलंका एंड इंडिया। अब अगर मैं पूछूं कि श्रीलंका और इंडिया में से आइलैंड कंट्री कौन सा है, तो इनमें से कौन सा आइलैंड कंट्री? श्रीलंका। श्रीलंका, दैट्स गुड। चलिए अब जरा दोबारा आगे चलते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मज, ठीक है, अब जरा इसको देखें, दोबारा मैप को देखें। ये जो मैप है ना, ये आपका एशिया है, यहां पे ये जगह देखिए, इसके इधर भी एशिया, इधर भी एशिया है। इसको वैसे मिडल ईस्ट कहते हैं, जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज है ना, उनको मिडल ईस्ट इस एरिया को कहते हैं, यहीं पे ये सारे अरेबियन कंट्रीज है। अब मैं ये ही जगह आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखेंगे, ये हो गई जूम, ये वही जगह है और जूम करके आई है। अब ये जैसे ही ये खत्म हो तो दोबारा आपने ज्वाइन कर लेना लिंक, किसी लिंक से आपने दोबारा। देखें कि ये जो है ना, अब उसके नीचे ये अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, ये गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि ये ओमान है, ये जो पानी है ये ओमान का है, ठीक है, ओमान के साथ लगता है। ये है जी पर्शियन गल्फ, ये ईरान के आगे है, ठीक है। ये दो वाटर बॉडीज हो गई, एक पर्शियन गल्फ और फिर गल्फ ऑफ ईरान। एक तंग पैसेज जो है इन दोनों वाटर बॉडीज को जोड़ता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मज। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को एक तरफ जो है ये ओमान है, ये यूएई है, और दूसरी तरफ ईरान है। तो हम कहेंगे कि ये यूएई और ओमान को सेपरेट करता है किससे? ईरान से। और जोड़ता किसको है? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ लिंक करता है। दिस इज ऑल। अब दोबारा उसको जरा मैप पे जाके दोबारा देखें, ये देखेंगे, ये आपका यहाँ पे यस कर दिया। अब देखेंगे ये मैप पे दोबारा आए, ये देखेंगे ये जो व्हाइट हिस्सा है ना, ये जो व्हाइट हिस्सा ये है, उसको हमने जूम करके देखा, इधर ओमान और यूएई और इधर ईरान, और इनको दोनों को सेपरेट कर रहा है, ज्वाइन किसको कर रहा है? गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शिया, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और चाइना की काफी ज्यादा तेल की ट्रेड जो है वो इसी रास्ते से होती है। इसके बाद आ गया जी बाबुल मंदीप, ठीक है। बाबुल मंदीप क्या है? बाबुल मंदीप भी एक स्ट्रेट है। इसको जानने के लिए आप जरा नक्शा देखें, दोबारा से इस मैप पे आए, मेन मैप पे, मेन मैप पे। ये देखें कि ये जो है ना, ये सी कौन सा है? ये इस रेड सी है, हमने पढ़ा कि ये अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। यहाँ पे जो सी है, वैसे तो ये इंडियन ओशन है, लेकिन जो सी है ना, दिस इज अरेबियन सी, जिसके किनारे हमारा कराची गवादर दोनों वाक्य। तो ये एक तंग पैसेज है जो रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ता है, इसको बोलते हैं बाबुल मंदीप। दोबारा ज्वाइन करें, देखें बाबुल मंदीप को जरा गौर से देखें, ये वही आ गया रेड सी, ये देखिए ये रेड सी आ गया, ये आ गया आपका गल्फ ऑफ ईडन कह लें आप, ये गल्फ ऑफ ईडन भी बोलते हैं, ये समुन्द्र का हिस्सा है, या अरेबियन सी कह लें। तो इनको दोनों को जोड़ता है, सेपरेट किसको करता है? इधर है यमन, ये यमन है, और इधर ये जो नुक्कड़ पे कंट्री वाकई है ना, इसको बोलते हैं जबूती, ये अफ्रीकन कंट्री। तो ये जबूती और यमन को सेपरेट करता है, जोड़ता किसको है? रेड सी को इंडियन ओशन के साथ जोड़ता है, या आप कह लो कि जी गल्फ ऑफ एडन के साथ जोड़ता है, क्योंकि ये जो सिटी है ना, ये एडन है, तो इसको नाम से बोल देते हैं ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है।
इसके बाद ना आप हमारे पास आ गया, एक दफा फिर वर्ल्ड मैप को देखें और आप आ जाएं आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट के ऊपर। अब बॉस्फोरस स्ट्रेट को मैं लोकेट कराता हूँ आपको, ये देखें आपको, जस्ट अ मिनट, जो जगह है ना ये, इतना सुंदर सर देयर इज डिस्टॉर्शन इन योर इज दिस डिस्टोर्शन फॉर यू ऑल। इसको देखो कि ये ना एक छोटी सी जगह ना यहाँ पे आपको लग रही है कि ये खाली है, ये असल में बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ये तुर्की है, ये तुर्की है, ये तुर्की का यूरोप वाला हिस्सा है, ये तुर्की का एशिया वाला हिस्सा है। अब आप इसको जूम करके देखें, ये आगे जी हम जूम करके, उसी को हमने जब जूम करके देखा तो ये देखो कि दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये आ रही है। ये क्या करती है, ये तुर्की को दो हिस्सों में तकसीम करती है। सेपरेट किसको किया, तुर्की को किया, तुर्की के शहर इस्तांबुल को किया। ये इस्तांबुल एशिया वाला है, ये इस्तांबुल यूरोप वाला है, इसको सिटी को दरमियान से तकसीम किया। जोड़ा किस किस को, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमा के साथ जोड़ा। दिस इज ऑल जिसको कहते हैं कि बॉस्फोरस स्ट्रेट। आई होप कि आपको ये। इसके बाद है स्ट्रेट ऑफ ड्रांडलीज। स्ट्रेट ऑफ ड्रांडलीज को समझने के लिए आप बॉस्फोरस स्ट्रेट को दोबारा देखें, उसी की एक्सटेंशन है ये। ये आपने देखा कि ये तो था जी स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब यहां पर भी एक स्ट्रेट है, यहां पर, यहां पर, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ डर्नलीज। अब ये देखें कि ये क्या है, इसको थोड़ा गौर से देखें, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये सी ऑफ मरमरा आ गया। अब सी ऑफ मरमरा को एजियन सी के साथ भी एक स्ट्रेट जोड़ रही है जिसको कहते हैं डर्नलीज स्ट्रेट, और ये भी एशिया और यूरोप के दरमियान बाउंड्री का काम करती है। इधर यूरोप आ गया, एक तरफ एशिया आ गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये। उसके बाद आ गई जी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर है। ये देखिए इसको समझने के लिए आप दोबारा इसके ऊपर आए, जरा मैप के ऊपर आए दोबारा, ये मैप है जी आपका। इसके ऊपर जब आप आते हैं तो आपको ना यहां पर भी एक स्ट्रेट नजर आती है, यहां पर ये एक स्ट्रेट है, ये इसके ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। तो ये सेपरेट किसको करती है, यूरोप को अफ्रीका के साथ, जोड़ती किसको है। अब ये कोई जब मुझे बता देगा तो मुझे लगेगा ये सारी समझ आ गई है, किस किस को, वाटर बॉडीज को जोड़ रही है ये वाली स्ट्रेट। अगर ये कोई बता देगा तो मुझे लगेगा कि आपको ना ये सारे चक्कर की समझ आ गई है। ऊपर है चैट बॉक्स, टाइप योर आंसर्स। ना कैस्पियन नहीं है, अटलांटिक ठीक है आपका, ये अटलांटिक को जोड़ रही है मेडिटेरेनियन, यहां पे है मेडिटेरेनियन सी जो दुनिया का तीसरा बड़ा समुंदर है, मेडिटेरेनियन, ये अटलांटिक को मेडिटेरेनियन के साथ जोड़ती है। और यही ये जो स्ट्रेट है ना इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और तारक बिन ज़ियाद इसी स्ट्रेट के जरिए यूरोप में गया था। ये देखें इस तरफ यूरोप है, यूरोप का कौन सा है, स्पेन है, और इधर कौन सा है, अफ्रीका का, वो कौन सा है, मोरक्को है। तो ये जनाब इसको जोड़ रही है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ना ये किसके कंट्रोल में है, बेसिकली ये एक जिब्राल्टर का आइलैंड है, यहाँ पर ये जिब्राल्टर आइलैंड है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जिब्राल्टर का आइलैंड है बेसिकली, ये यूके के कंट्रोल में है। तो ये भी एक एमसीक्यू आ जाता है, हालांकि यूके यहाँ पे मौजूद है लेकिन एक इन्होंने अपनी जगह रखी हुई है वो यहाँ पर भी मौजूद है। इसी तरह ये स्पेन है, लेकिन स्पेन ने एक, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कब्जे किए थे अफ्रीका में और दूसरे कंट्रीज में, तो एक छोटा सा आइलैंड है स्यूटा, स्यूटा आइलैंड पर जो है ना वो ये कह लेंगे स्यूटा जो है ये स्पेन के पास मौजूद, मतलब स्पेन के कंट्रोल में, आइलैंड ये अफ्रीका में है लेकिन इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेन, ठीक है जी बात।